पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल में ठन गई थी। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताते हुए साफ नसीहत दे दी थी कि राज्य से हिंसा को खत्म किया जाए। वही ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया था कि केंद्र सरकार सही से काम नहीं कर रही। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि एक तरफ तो ममता बनर्जी के नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा एक्शन ले लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार राज्य की सीएम बनी ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई। राजभवन के थ्रोन हॉल में सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति में राज्यपाल ने मंत्रियों को शपथ दिलाना शुरू किया था। राज्य मंत्रिमंडल में 8 महिलाएं हैं। अमित मित्रा, भारती बसु, रथीन घोष ने वर्चुअली शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। 43 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर सहित कई नए चेहरे हैं जो पहली बार ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन इधर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था। जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ शपथ ग्रहण से पहले ही सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। खास बात यह है कि ये चारों ही नेता आज के मंत्री पद की शपथ में भी शामिल थे। जिन 4 नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी है उसमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी का नाम शामिल है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहे हैं। इन मामलों की सीबीआई जांच भी की जा रही है। अलग अलग नेताओं के नाम इन मामलों में आए हैं। इन नेताओं के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर राज्यपाल से अनुमति ले ली गई है। एक प्रेस रिलीज में राजभवन ने कहा, माननीय राज्यपाल कानून के संदर्भ में अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ऐसे मंत्रियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। बयान में कहा गया है कि 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी धनखड़ द्वारा दी गई है और ऐसा सीबीआई द्वारा अनुरोध किए जाने और माननीय राज्यपाल को मामले से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद किया गया। और इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। यानी कि सीबीआई अब फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ये सभी तब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे जब 2014 में कथित रूप से नारद स्टिंग टेप बनाए गए थे। फिलहाल देखना होगा कि ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस एक्शन पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।